दिवाली का मिठाई लेकर आई, मुझे लगा बच्चा अच्छा होने वाला इसलिए लेकर आई हूँ मिठाई। कुछ पागल वागल हो क्या तुम? क्या क्या बोल रही हो? हाँ जो तुमने सुना, मतलब तुम्हारे को किसी और का बच्चा बोल। समर प्लीज हट जाओ, मैं चिल्ला दूंगी, मैं राधिका को बोलू जाके, मैं राधिका को बोलू जाके। आया गुनगुन तुम घर पर? मम्मी है। आ जाओ अंदर आ जाओ। क्या लेके, किससे मिलने आई हो? सबसे। किससे? राधिका से, उसकी मम्मी से। ये क्या? ये मिठाई। किसके लिए है? समर दिवाली है तुम्हें पता नहीं है? दिवाली तो मिठाई का डब्बा देने आई। दिवाली का मिठाई लेकर आई, मुझे लगा बच्चा अच्छा होने वाला इसलिए लेकर आई हूँ मिठाई। कुछ पागल वागल हो क्या तुम? क्या पता ध्रुव को बच्चे के लिए लेकर के आए। तो होगा भी तो तुमको तो खुश होना चाहिए ना। मैं तो खुश होंगी। मुझे क्यों खुशी होगी? तो तुम खुश नहीं होगी मतलब? दूसरे गैर के साथ दिवाली मना के मजा आ रहा है ना तुम्हें? समर तुम पागल हो। मेरे साथ तो मना ही नहीं, मना नहीं सकते। क्या गैर हस्बैंड है वो मेरा? हस्बैंड है। दिखाओ मिठाई। दिवाली का मिठाई लेके आई हो तुमने, मुझे नहीं खिलाओगी? खुल खिलाओ अपने हाथ से। हैप्पी दिवाली। और राधिका कहाँ है? तुम भी खा लो। समय मैंने बहुत खा लिया। नहीं राधिका कहाँ है? राधिका उसकी मम्मी बाहर गई, कोई मिठाई बांटनी है। लाओ बैठो। ठीक है। तो कैसा लग रहा है ध्रुव के साथ अब? मुझे तो ठीक लग रहा है, तुम बताओ। मैं क्या बताऊंगा, तुम्हें ठीक लग रहा है ना राधिका के साथ? तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम है, मेरे जिंदगी को तो तुमने बर्बाद करके और तुम खुश हो, है ना? तुम खुश हो समर? मैं कहाँ खुश हूँ? तुम खुश नहीं हो, तुम तो चाहते नहीं थे मैं यहाँ पे रहूँ, अब तो मैं अपने घर पे हूँ, अब तो खुश हो ना तुम। घर भी छीन लिया तुम लोगों ने, सारा कुछ कर लिया, मजे तो तुम्हारे आ रहे हैं ना? तुम भी तो बोलते थे यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं, यहाँ से घर से निकलो, ये करो वो करो, तो मैं निकल गई फाइनली। क्यों हटाओ अपनी चीजें पे हो तो कुछ नहीं, मेरी चीजें हो तो हटाओ। तुम मेरे को बोल रहे थे उस दिन, ताना मार रहे थे ना कि यहाँ पे आशिकी बाजी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ पे मत सोया करो, यहाँ पे मत रहा करो। तो मैं अपने घर चली गई। क्या बोला? क्या बोला? नाजायज बच्चा था ये वो ऐसे वैसे। तो मुझे बच्चे के बारे में नहीं पता। वो नाजायज बच्चा था तो अब जायज बच्चा कर लो ना। तो हम कर लेंगे समय, तुम्हें क्या तो प्रॉब्लम हो रही है? उसके साथ तो तुम सो ही रही होगी, मुझे तो पता है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हस्बैंड है मेरा, उसके साथ नहीं सोऊंगी और क्या तुम्हारे साथ सोऊंगी? क्या तुम मेरे लगते कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम मेरे हस्बैंड हो। मुझे यार तुमने बर्बाद कर दिया ना। मैंने बर्बाद किया? मैं कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ यहाँ पे। वाओ, मैंने बर्बाद किया? गुनगुन राधिका की माँ यहाँ पे ऐसा मेरे पे एहसान जता रही है कि जैसे मैं अपने घर में मैं खुद ही कुत्ता बन के रह रहा। तो अपने बीवी के साथ खुश रहो ना समर। तुम्हारी तो बीवी, तुम उससे प्यार करते, शादी के साथ फेरे लिए तुमने, उससे मंदिर में शादी करी है, तो खुश रहो उसके साथ। दिवाली का गिफ्ट सिर्फ मिठाई दोगी है? और क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट? मुझे और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मांगूंगा जो मांगूंगा दोगी? बोलो। मुझे तुमसे किस चाहिए? तुम पागल हो समर, कैसे बात कर रहे हो दिवाली के दिन भी? तुम इतना बुरा क्यों लग रहा है समर? ये सब बातें करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? क्या करने आई हो समर? हट जाओ। मुझे धोखा देके चली गई हो? क्या धोखा? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया मैंने धोखा। सच बताना तुम्हें, मुझे मेरी याद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। क्या ऐसा पंडित ने तुम्हें खिला दिया कि मतलब तुम बिल्कुल ही मुझे भूल गई हो? नहीं आती मेरे को यार, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और मुझे सब, मैंने सब कुछ बता दिया, तुम एक नंबर के झूठे, तुम मुझे भड़का रहे हो। तुम मिठाई लेके मेरे लिए आई हो ना? तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं सबके अच्छा, लिए आई। तो मेरे लिए लेके आई हो मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो है समर? तुम गलत समझ रहे हो, मैं सबके लिए लेके आई हूँ। किसके लिए लेके आओ? राधिका है, राधिका की मम्मी है। कल दिवाली था, आज तुम मिठाई लेके आ रही हो तो मतलब कल मैं नहीं आ पाई, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मेरे लिए लेके आई हो? तुम पागल हो क्या? कल मैं नहीं आ पाई क्योंकि ध्रुव और मैं कहीं और जा रखे थे सबको गिफ्ट देने के लिए। आई हो ना तो मतलब वही हुआ ना कि तुम मेरे लिए लेकर? तुम्हारे लिए नहीं लेके आई मैं, राधिका उसकी मम्मी के लिए लेके आई, उन्होंने मुझे घर में रहने। मतलब ध्रुव के बिना भी अकेले आई हो है ना? तुम ना समर अब कुछ ज्यादा मतलब सोच रहे हो। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम ध्रुव को साथ ले? तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? प्यार करती हो मैं समझ नहीं करती। हट जाओ समर, देखो प्लीज, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला है कि तुम उसके पास जाओगे तो सही से
उससे दूर रहना, तो तुम मेरे से दूर रहो, ठीक है? दूर कैसे हो जाऊंगा, तुम मिठाई लेके आई हो, मतलब बहाने से मुझसे मिलने? समर बहाने की बात नहीं है, तुम मतलब, अच्छा एक बात बताओ, तुम कल भी तो आ सकती थी मिठाई लेकर के, कल तुमको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे मैं ध्रुव के साथ कल बिजी थी, ध्रुव ने बोला नहीं 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 ये बात नहीं, यहाँ तुम्हें लगा हुआ, यहाँ राधिका भी होगी, राधिका तुम्हें जैसा सोचना सोच रहे हो, मेरे पति ने ही मेरे को भेजा यहाँ पे, उसको टाइम नहीं था, ठीक है? नहीं आई हूँ मैं तुमसे मिलने, नहीं कर, क्या दिक्कत है तुमको? नहीं मेरा हस्बैंड है वो, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारा, कुछ दिनों में ना गुड न्यूज भी आने वाली है, प्लीज तुम क्या क्या बोल रही हो? हाँ जो तुमने सुना, गुड मतलब तुम्हारे को किसी और का बच्चा पलेगा, बच्चा तो पलेगा? तुमको क्या मतलब समर, शर्म नहीं आती तुमको है सब क्या चीज़ मतलब? एक आदमी को धोखा दे के दूसरे के साथ, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने भी तो पहले गुड न्यूज होगा, तुमने भी तो मुझको पहले धोखा दिया ना, बैड न्यूज होगा। अब मैं भी बोलूंगा, अब जो तुम्हारा जो बच्चा होगा नाजायज बच्चा होगा। मेरे बच्चे को नाजायज बच्चा बोलने की जो होगा तब ना, हाँ तो जल्दी मिल जाएगी तुम्हें गुड न्यूज, बात खत्म। समर प्लीज हट जाओ, मैं चिल्ला दूंगी, मैं राधिका को बोलू जाके, मैं राधिका को बोलू जाके। क्या इस बारे में अभी सोचना भी नहीं, अभी तुम्हारे दिमाग पे पंडित ने कुछ करवा रखा है। मैं राधिका को बोलू मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल, मेरी बात पहले चुपचाप सुनो। क्या ये गुड न्यूज और ये सब बात करने की जरूरत नहीं है अभी, अभी एक दो महीना तुम उससे दूर रहो, तुमको जब तक ना तुम्हारा माइंड खुद ठीक हो जाएगा, समझ में तो उस घर में मैं रहती हूँ, ध्रुव रहता और कोई नहीं रहता, तो मैं दूर कैसे होंगी ये बताना जरा तुम, तुम्हारे अंदर कौन पागल वागल हो क्या? तो तुम उसका बच्चा लोगी पेट में, तो हम दो हस्बैंड वाइफ है समर, इसमें गलती क्या है यार? तुम कैसी इंसान हो यार, मैं तो तुमको मना नहीं कर रही हूँ ना, तुम उसके साथ रह रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ बोला यार? तुम मेरी हो यार, तुम समझा करो ना समर, तुम याद करो, तो मतलब तुम दिवाली का मुझसे मिलने आई हो ना? नहीं आई हूँ। हाँ मुझसे मिलने आई हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे? नहीं आई हूँ तुमसे मिलने, तुम्हें समझ नहीं आ रही बातें? तो तुम किसके लिए लेके आई हो मिठाई? तुमने अपने हाथों से भी मुझे मिठाई खिलाया, तो दिवाली है तो क्या हो गया? मैंने सबको खिलाया, तुमने मिठाई खिलाया तो मतलब मुझसे प्यार है तुमको, है ना? समर ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं राधिका और राधिका की मम्मी को गोद में सोना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार, तुम मतलब तुम्हें प्यार था इसलिए तुम मुझसे मिलने आई हो, मैं तुम नहीं मानोगे ना? मैं तो मैं मानता हूँ, मैं राधिका को बुलाऊं चिल्लाऊं, मैं तुम चाहते हो मैं चिल्लाऊंगी, मुझे पता है तुम छुप के मुझसे मिलने आई हो। समर सुन लो मेरी बात, मैं ध्रुव से पूछ के आई हूँ, मतलब अभी भी प्यार करती हो? नहीं करती मैं अभी प्यार, नहीं करती, उठो खड़े हो ऐसे मत, तुम चाहते हो राधिका तुम्हें फिर से, तुम्हारे ऊपर वैसे इतने केस चल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं राधिका के साथ रह रहा हूँ? नहीं रह रहा हूँ उसके साथ, तो मैं तो मजबूरी में इस घर में रह रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर वैसे केस चल रहे हैं, मैं और वो यहाँ पे आ जाएगी देख लेगी तुमको, ऐसे और ड्रामे होंगे। नहीं करती समर, खड़े हो जाओ चलो, नहीं समर खड़े हो, जिद बच्चों की तरह जिद कौन करता है? तुम्हारे साथ खड़े हो जल्दी से, तुम मिलने क्यों आई हो? मिलने मैं दिवाली की मिठाई देने आई हूँ और कुछ करने नहीं आई हूँ। दिवाली की मिठाई को वही देने आता है जो जिससे प्यार करता अच्छा है। तो मतलब तुम मुझसे प्यार करती? राधिका राधिका की मम्मी के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, हमें यहाँ पे रहने दिया, ध्रुव को मुझे यहाँ पे रहने दिया, मेरी सास को यहाँ पे रहने दिया, इसलिए मैं दिवाली की मिठाई देने आई हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, शांति से बोल रहा हूँ ना, मैं खेस दूंगा चांटा तुम्हारे मुंह पे। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं देखा, या तो तुमको भी सीधा ठोकूंगा अपने आप। प्यार मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा अभी तक, समझ में हट जाओ। नहीं देखा है, नहीं ना? करते तो ऐसी से पेट में बच्चा आ गया था, वो तो आसमान से टपक गया था ना। हाँ, तो नहीं करते ना तुम मेरे से प्यार? नहीं करते ना प्यार, जितना भी प्यार कर लो तुम एहसान फरामोश हो, है ना? देखो मुझे ये सब नहीं पता, तुम दिवाली का मिठाई दियो तो दिवाली का मुझे किस भी चाहिए। समर तुम पागल हो क्या? नहीं हट जाओ समर प्लीज, धक्का दो तेज, चलो किस दे दो मुझे जल्दी से। समर हट दो यहां से, पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग है तुम्हारे अंदर? ये नहीं है शादीशुदा हूँ मैं। अभी गेट, अभी बताता हूँ तुम्हें ना, अभी यहीं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें। हद होती है बिल्कुल ही, सच्चे में इंसान ने हद कर रखी है। कितनी बार बोलूँ मैं सबको मिठाई देने के लिए आई हूँ फिर भी।